फ्रेंड्स मोनिट्रल अकेडमी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टू स्टडी अबाउट टिश्यू प्रोसेसिंग सो फ्रेंड्स मैं बच्चों ने कहा था कि आपको टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़नी है तो टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर बेसिकली क्या है हमस्टोपेथोलॉजी में परफॉर्म करते हैंजी लैब में परफॉर्म करते हैं हम टिश्यू प्रोसेसिंग ठीक है हमारा टिश्यू प्रोसेसर होता है जिसके अंदर ही सारी चीजें होती है तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू स्टडी अबाउट टिश्यू प्रोसेसिंग सो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स ये मैं आपको लैब के अंदर जो परफॉर्म करते हैं आप किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगी ठीक है सो देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ द टिश्यू इट इज अ प्रोसीड फर्दर टिश्यू प्रोसेसिंग इन्वॉल्व स्टेप टिश्यू प्रोसेसिंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली डिक्ल्सिफिकेशन होता है फ्रेंड्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी डिहाइड्रेशन होता है क्लियरिंग होती है इम होता है और पैराफिन इम्बाइडिंग होती है ठीक है फ्रेंड्स सो हम इन जो हमारा आज का सब टॉपिक है वो ये है डी कैल्सिफिकेशन डिहाइड्रेशन क्लियरिंग इन एंड पैराफिन इम्बाइडिंग सो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है डी सो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि डीफा कैल्सिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि उसको डी कैल्सिफाई करना यानी कैल्शियम को रिमूव करना

सो डिकल्सिफिकेशन इज डन एज फॉलो तो क्या करते हैं हम डिकल्सिफिकेशन करते हैं सो वेन दिमैन इज सफिशियटली फ्लूड दिलेक्टेड टिश्यू इज प्लेस्ड इन टू अबल वेसल ऑफ एट परसेंट फॉर्मिक एसिड एंड लेफ्ट ऑन टिल दि फॉलोइंग डीज सो क्या करेंगे हम एट परसेंट फार्मिक एसिड लेंगे और उसमें हम सैम्पल को डिप कर देंगे और उसको हम छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए ठीक है सो देअर आफ्टर टिश्यू इज एसिस्ट डेली अंजिल इट इज अट टू कट दि सेक्शन क्या होगा कुछ दिनों बाद क्या देखेंगे आपकी जो टिश्यू होगा वो काफी सॉफ्ट हो जाएगा और वो कट के लिए सेक्शनिक के लिए प्रिपेयर है सो इफ इट इज नॉट रेडी द कैल्सिफाइड फ्लूड इज चेंज एंड दसल इज रिप्लेस्ड फॉर अ फर्दर ट्वेंटी फोर आवर्स अगर अभी भी टिश्यू डी कैल्सिफाई नहीं हुआ है यानी वो उसकी सेक्शनिंग कटिंग सही से नहीं हो रही है तो हम फिर से उसमें क्या करेंगे उस वाटर को जो हमारा फॉर्मिक एसिड है उसको रिमूव करके नया फॉर्मिक एसिड डालेंगे उसको 24 घंटे के लिए फिर से छोड़ देंगे द प्रोसेस इज रिप्लेस्ड अंटिल रिप्लेस्डिल्सिफिकेशन इज कम्प्लीट और ये प्रोसेस क्या है रिपीट करेंगे तो हमारा डीकल्सिफिकेशन क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा सेकंड वन इज डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वॉटर इज रिमूव फ्रॉम द दिक्कस टिश्यू जो हमारा फिक्स टिश्यू है उसमें से वॉटर को रिमूव करना दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ठीक है टिश्यू इज थ्रूली डिहाइड्रेटेड बिफोर इम्बैडिंग इम्बैडिंग के पहले टिश्यू को डिहाइड्रेट किया जाता है ताकि उसमें वाटर सब्सटेंसेस ना हो सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल ठीक है सो बेसिकली जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है फ्रेंड्स इवन टू मार्क्स में आ सकते हैं आपके जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कौन कौन से होते हैं हमारे इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल होते हैं ठीक है याद रखिएगा तो क्या है ये वॉटर और जयलिन के साथ जो होता है हमारे इथेनॉल जो है वो क्या होता है मिक्सबल होते हैं मिक्स हो जाते हैं सो टिश्यू ब्लॉक्स आर प्लेस्ड इन दिश्यू कैप्सूल्स टिश्यू कैप्सूल्स होती है जिसके अंदर हम टिश्यू ब्लॉक को प्लेस कर देते हैं सो विच इच स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक परफोरेटेड कंटेनर्स विद इन दिस बॉक्स टिश्यू आर कैप्ट ये हमारा स्टेनलेस स्टील होता है ठीक है या फिर हम प्लास्टिक का भी यूज करते हैं एंड डिकल्सिफिकेशन नंबर ऑफ टिश्यूज ब्लॉक शुड बी रिटर्न ऑन द पीस ऑफ पेपर और कार्ड विच स्केप्ड इन साइड द टिश्यू कंटेनर अब टिश्यू कंटेनर आपने देखा होगा फ्रेंड छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं बनी हुई ठीक है उसमें टिश्यू कंटेनर उसको हम टिश्यू कंटेनर बोलते हैं उसमें क्या होता है पेपर ऑफ पीस लेते हैं क्यों लेते हैं फ्रेंड्स जो टिश्यू का ब्लॉक का नंबर होता है हर किसी का नंबर अलग अलग होता है तो सबके मार्क्स मार्किंग करनी होती है 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 कि इसका सैंपल है, इसकी मार्किंग ठीक हैल्कोहल डिस्टेनिंग एल्कोहल में फ्रॉम फिफ्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट एट्टी परसेंट नाइनटी परसेंट हंड्रेड परसेंट एप्सिलिटलोहल ठीक है so, सो डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है बेसिकली एक सीरीज में स्टार्ट होता है ठीक है तो इसका जो एल्कोहल का जो रेट है उसको क्या करते हैं हम इंक्रीज करते जाते हैं जैसा कि आप इस चार्ट में दे सकते हैं डिहाइड्रेशन के केस में डिहाइड्रेशन नेम ऑफ रिएजेंट ठीक है ये रिएजेंट्स के नाम है नंबर ऑफ आर्स कितने आवर्स के लिए हम इसमें रखते हैं तो सेवेंटी परसेंट एल्कोहल को हम वन आवर के लिए रखते हैं नाइन्टी परसेंट एल्कोहल को हम वन आवर के लिए रखते हैं नाइन्टी परसेंट एल्कोहल टू आवर्स के लिए और हंड्रेड हंड्रेड परसेंट के एल्कोहल्स एक वन आवर के लिए और बाकी दो दो घंटे के लिए ठीक है so, सो ये है प्रोसेस डिहाइड्रेशन का ठीक है फ्रेंड्स सो so फ्रेंड्स अब हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से आपको पता होना चाहिए एल्कोहल हमारा बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ठीक है डिऑक्सिन हो गया डायथाइल एंड डाइऑक्साइड डायऑक्साइड एसिटोन हो गया सैलोसोल हो गया ठीक है टेट्राथल फॉस्फेट ये सारे हमारे क्या है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है प्रोसीजर क्या है फ्रेंड्स इसका टोटल डिहाइड्रेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ टिश्यू ठीक है जो हमारा टोटल टाइम डिपेंड करेगा किस पे वॉल्यूम ऑफ टिश्यू पे सो थिकनेस ऑफ द टिश्यू ब्लॉक

इंटरफेयर विद दिन रियक्शन सो फ्रेंड्स क्या होगा अगर आपने ज्यादा कंसेंट्रेटेड अल्कोहल ले लिया है ठीक है तो क्या होगा इससे आपका जो टिश्यू होगा वो ब्रिटल हो जाएगा ठीक है सिकुड़ जाएगा या फिर वो माइक्रोटोम में कट नहीं हो पाएगा ठीक है तो इफ दी टिश्यू आर केप्ट अ लॉन्ग टाइम इन सेवेंटी परसेंट और बिलो सेवेंटी परसेंट एल्कोहल विल डैमेज टिश्यू अगर आपने सेवेंटी परसेंट अल्कोहल से ज्यादा में टिश्यू को रखा या उससे कम में रखा टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको वन आवर रखना है तो आपको वन आवर के अकॉर्डिंग ही टिश्यू को रखना है उसमें अल्कोहल में अगर आपने सेवेंटी परसेंट एल्कोहल के अंदर टिश्यू को एक घंटे से ज्यादा रख दिया और एक घंटे से कम भी रखा तो क्या होगा टिश्यू डैमेज हो जाएगा ठीक है उसकी जो लेयर होंगी वो डैमेज हो जाएंगी तो वो माइक्रोटोम में कट नहीं हो पाएगा ठीक है फ्रेंड्स थर्ड वर्ड इज क्लियरिंग क्लियरिंग इट इज डन टू मेक द टिश्यू ट्रांसपेरेंट ठीक है क्लियरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स टिश्यू को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम क्लियरिंग करते हैं ठीक है सो इट इज यूज टू रिमूव डिहाइड्रेटिंग एजेंट फ्रॉम द टिश्यू जो डिहाइड्रेशन हमने किया है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हमने की है उसको रिमूव करने के लिए टिश्यू के अंदर से तब हम क्लियरिंग एजेंट का यूज करते हैं सो क्लियरिंग इज डन द टिश्यू प्रोसेसिंग एट इम्बैडिंग स्टेज एट माउंटिंग स्टेज दो स्टेज में हम क्लियरिंग करते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो स्टेज दिख रहे हैं आपको एट इम्बैडिंग स्टेज एट माउंटिंग स्टेज एट इम्बैडिंग स्टेज क्या है आफ्टर डिहाइड्रेशन विद एल्कोहल क्लियरिंग इज डन टू रिमूव एल्कोहल क्लियरिंग एजेंट शुड बी मिक्स विद एल्कोहल एंड पैराफिन एंड हेल्प टू पेनिट्रेट दी पैराफिन इन साइड द टिश्यू सो क्या है फ्रेंड जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हमने किया था एल्कोहल से सो क्लियरिंग इज डन टू रिमूव एल्कोहल क्लियरिंग हम करते हैं किसको अल्कोहल को रिमूव करने के लिए ठीक है सो so, ये क्या है हमारा बहुत जो हमारा क्लियरिंग एजेंट है वो क्या है मिक्सबल है अल्कोहल एंड पैराफिन के साथ ठीक है तो ये क्या करता है पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है तो ये हो गया हमारा मैडिंग स्टेज तो एट माउंटिंग स्टेज क्या है फ्रेंड्स सो क्लियरिंग मेक माइक्रोस्कोपिक टिश्यू ट्रांसपेरेंट सो दैट टिश्यू कैन स्टडी प्रॉपरली अंडर माइक्रोस्कोप माउंटिंग में क्या होता है कि अगर हमने टिश्यू को प्रॉपर तरीके से क्लियरिंग किया है तो जो माइक्रोस्कोपिक होगी टिश्यू की ठीक है उसको स्टडी हम प्रोपरली तरीके से कर सकते हैं सो द क्लियरिंग एजेंट शुड हैव हाई रियक्टिव इंडेक्स और मोर देन द माइक्रोस्कोपिक टिश्यू मोर विजिबल सो क्या है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसके अंदर क्या होता है हमें टिश्यू जो है वो विजिबल हो जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियरिंग एजेंट दे सकते हैं हम जाइलिन यूज करते हैं ठीक है जाइलिन हम वन वन आवर के लिए यूज करते हैं फोर टाइम यूज होता है ये ठीक है क्लियरिंग एजेंट्स ठीक है जाइलिन हो गया टॉलिन हो गया डायक्सिन हो गया कार्बन टेक्ट्रा क्लोराइड हो गया सीडारवुड ऑयल हो गया क्लोरोफॉर्म बेंजाइल बेनजा एसिटेट कार्बन बाइसल्फाइड एंड जाइलिन एंड मिथिलिन ठीक है सो ये जो हमारे हैं फ्रेंड्स ये सारे क्या है हमारे क्लियरिंग एजेंट है ठीक है ये क्लियरिंग एजेंट है हमारे अब हम आता है फोर्थ फोर्थ पे इनफिल्ट्रेशन एंड इम ठीक है इनफिल्ट्रेशन और इमप्रेग्नेशन फ्टर क्लियरिंग टिश्यू आर ट्रांसफर्ड टू मोल्टर पैराफिन वैक्स किट इन बैडिंग अवन फ्रॉम दी इनफिल्ट्रेशन इन प्रेग्नेशन सो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं आफ्टर क्लियरिंग अब हमारे टिश्यू की क्लियरिंग भी हो चुकी है पेराडिकल्सिफिकेशन किया हमने उसके बाद डिहाइड्रेशन किया उसके बाद क्लियरिंग की अब हमारे इनफिल्ट्रेशन की बारी आते है, तो इसमें क्या करते हैं हम जो आ, आफ्टर क्लियरिंग क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं मोल्टर पैराफिन मोल्ट्रोपेराफिन के अंदर वैक्स के अंदर हम क्या करते हैं उसको प्लेस करते हैं ठीक है so so during the 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 process process clearing agent is removed from the tissue by the process of diffusion to the surrounding matter paraffin wax so, जो paraffin wax होता है उसको अगर हम उसको डिफ्यूज करवाते हैं जो हमने क्लियरिंग किया है तो उसमें क्या होगा xylene जो होगा वो टिश्यू में अभी भी प्रेजेंट है तो इस mold को जब ये मोल्ड में रखा जाता है इस टिश्यू को तो

रिमूव करना और इनप्रेग्नेशन का मतलब क्या है पैराफिन वैक्स का टिश्यू के अंदर एंटर होना ठीक है ये दो मेथड आपको क्लियर होना है इनफिल्ट्रेशन एंड इन ठीक है सो इट इज डन इन पैराफिन इम्बाइडिंग अवन एट 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस ओवर अ पीरियड ऑफ टू टू थ्री आवर्स सो जो पैराफिन इम्बाडिंग है इसको बेसिकली हम 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं टू टू थ्री आवर्स के लिए द देशर इज वेरी क्रिटिकल फॉर दिस प्रोसेस ये क्या है थोड़ा क्रिटिकल है इसके लिए ड्यूरिंग ऑफ देशन कैन बी रिड्यूज सो क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम जो हमारा पैराफिन है वो नॉट टिश्यू विल बी डाइजेस्टिंग यानी वो टिश्यू को नहीं डायजेस्ट कर रहा है ठीक है जो पैराफिन है वो टिश्यू के अंदर नहीं जा रहा है तो क्या होगा हम टेम्परेचर को थोड़ा कूल कर देंगे ठीक है और पैराफिन जो इमेडिंग है उसको यूज करेंगे और क्या करेंगे हम इंप्रेग्नेशन करेंगे ड्यूरिंग मतलब उसके दौरान इम्प्रेग्नेशन के दौरान सो so, क्या होगा पंद्रह मिनट के लिए हम उसको रिमूव कर देंगे उसका रिड्यूस कर देंगे जो उसका टेम्परेचर होगा सो इनफिल्टर्ड पैराफिन आफ्टर कूलिंग गिव सपोर्ट टू द टिश्यू सो इनफिल्टर्ड जो पैराफिन होगा वो क्या करेगा कूलिंग के बाद उसको सपोर्ट देगा टिश्यू को ठीक है एंड मेक द टिश्यूजियर टू कट और क्या होगा हम टिश्यू को इजिली माइक्रोटोम के अंदर कट कर सकते हैं टू गेट अ गुड रिजल्ट एट लीस्ट वन चेंजेस ऑफ द मोल्टर पैराफिन शुड बी गिवन एट रिमूव द क्लियरिंग एजेंट कम्प्लीटली अब क्या होगा हमारा जो हमारा मोल्टर है मोल्टर पेराफिन वैक्स जो होता है वो क्या करता है की क्लियरिंग एजेंट को प्रॉपर तरीके से रिमूव करने में क्या करता है हेल्प करता है ठीक है जिससे क्या होगा हमारे माइक्रोटोम में टिश्यू की कटिंग प्रोपर तरीके से हो पाएगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर आता है हमारा पैराफिन होता है पैराफिन वन पैराफिन टू दोनों क्या करते हैं दो टू 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 आर्ट्स के लिए हम उसमें टिश्यू को रखते हैं ठीक है अब आता है हमारा लास्ट वन इज इम्बाइडिंग एम्बाइडिंग में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स इम्बैंड इज अ मेथड ऑफ प्लेसिंग इन फिल्टर्ड एंड द इम्रेगनेट जो हमारा प्रेग्नेटेड होता है टिश्यू लिक्विड पैराफिन एनी अदर इम्बाडिंग मीडिया एंड द कूलिंग गेट सोलिडिफाई मेक द टिश्यू ब्लॉक्स अब हम क्या करते हैं इम्बैंड के अंदर हम टिश्यू ब्लॉक्स बनाते हैं आपने देखो स्टील की कप्स होती है बनी हुई फ्रेंड्स आपने ऐसे ऐसे प्लेट्स देखी होंगी इसके अंदर पहले क्या है टिश्यू को प्लेस किया जाता है एंड वैक्सीज को फिल कर दिया जाता है ठीक है वैक्सीस को फिल कर दिया जाता है अगर आपने लैब के अंदर वॉक किया है एस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर वॉक किया है ट्रेनिंग टाइम में भी देखेंगे कि आपको किस किस तरह से ब्लॉक कट करना सिखाएंगे आपको क्या होगा इसमें आप टिश्यू जो ऑफ इनफिल्ट्रेशन टिश्यू आपने किया है वो आप इसके अंदर प्लेस करते हैं और इसकी ब्लॉक्स बनाते हैं ठीक है सो इट इज ऑल्सो नॉन एज कास्टिंग इसको हम कास्टिंग एंड ब्लॉकिंग भी कहते हैं सो दिस प्रोसेस इम बैडिंग है माइक्रोटोम ये क्या करता है हम इजिली हम इसको सोलिडिफाई करके इसको हम फ्रिज में रख देते हैं सो सोलिडिफाई करते हैं इसके बाद हम माइक्रोटोम के अंदर इसकी कटिंग करते हैं डेट इज कॉल्ड इम बैडिंग ठीक है फ्रेंड्स सो ये हमारे पांच प्रोसेस थे जो आपका टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर आता है ठीक है सो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच